हे गाइस, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस पे। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी जो कि है लहसुनी गवारफली। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के करीबन गवारफली ली है, जिसे मैंने इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लिया है और इसे मैंने 2 से 3 बार वॉश कर लिया है अच्छे से। तो आज की जो ये हमारी सब्जी है बहुत ही आसान है बनाने में और टेस्ट में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है और इसे हम ड्राई बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे गर्म पानी में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में गर्म पानी कर लिया है, तो थोड़ा सा तेज़ गर्म कर लें आप पानी को और इसमें हम गवारफली को डाल देंगे। तो बॉईल नहीं करना है हमें, बस इसे गर्म पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो गंदगी रह गई होगी वो भी अच्छे से साफ हो जाएगी, साथ ही साथ जो हल्की सी कड़वाहट आती है गवारफली में वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे डाल दीजिए गर्म पानी में, तो उससे ये सॉफ्ट भी हो जाती है हल्की सी। कई बार क्या होता है कि जो गवारफली है वो थोड़ी सी हार्ड होती है या मोटी होती है, तो इस तरीके से अगर आप इसे गर्म पानी में डाल देंगे तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और बाद में इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे डाल देने के बाद में मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे हम कवर कर देंगे एक प्लेट से, 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं फली को पानी में छोड़े हुए और ये हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, कलर भी इसका हल्का सा चेंज हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसे हम फ्राई करेंगे, तो उसके लिए हमने जो तैयारी की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, बस 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी इसमें। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है, तो ये अच्छी तेज़ तीखी हरी मिर्च है, अगर आपकी हरी मिर्च कम तीखी है तो आप ज़्यादा ले लें। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर करीबन 2 टेबल स्पून लहसुन लिया है, या कहूँ कि 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली है जिसे मैंने मीडियम चॉप कर लिया है। तो इस सब्ज़ी में लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तभी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए अब हम सब्ज़ी को फ्राई करते हैं। तो पैन को गैस पर रख दिया है मैंने और इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो इस सब्ज़ी में आप ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालें, तभी जाकर जो गवारफली की हल्की सी कड़वाहट है वो दबेगी। तो पैन तेज़ गर्म है, ऑयल भी तेज़ गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। तो जैसा कि इस सब्ज़ी में हम ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसमें जीरा आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरा इसमें डाला है, साथ ही में हरी मिर्च और जो हमने लहसुन काटा है उसे भी डाल देंगे इसमें। और इस टाइम पर गैस का फ्लेम लो पर कर दें क्योंकि ऑयल तेज़ गर्म हो चुका है और हमें जो लहसुन है उसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे हमें फ्राई करना है और उसके बाद में हम इसमें गवारफली डाल देंगे। तो स्ट्रेन कर लें इसका पानी सारा और इसमें ऐड कर दें। तो पूरी फली को हमने इसमें डाल दिया है और इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम जो है वो हाई पर कर देंगे और इसी के साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और इसी के साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो जैसा कि हम बिल्कुल सिंपल गवारफली की सब्ज़ी बना रहे हैं आज, तो इसमें आलू वगैरह हम नहीं डालेंगे। तो बस आप इसमें जो लहसुन है वो थोड़ा ज़्यादा ही डालें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस सब्ज़ी में लहसुन जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी ये। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम इसी तरीके से हाई फ्लेम पर इसे कवर करके पकाएंगे। बीच बीच में आप 1-2 बार चला सकते हैं इसे ताकि ये जले नहीं। तो 2 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पर इसे पकाते हुए और इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम एक बार फिर से कवर करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, क्योंकि जो गवारफली है उसे कुक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। बीच बीच में 1-2 बार चला सकते हैं आप इसे। तो 4 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए, अब हम इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अभी भी ये हल्की सी कच्ची है, तो इसे मैं 1 मिनट के लिए और कवर करके पकाऊंगी। तो इस सब्जी को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो 1 मिनट के बाद में हमारी जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है और इसी टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वाली सब्ज़ी को आप थोड़ा सा तीखा ही बनाएं, तभी ये टेस्टी लगती है। तो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर कर देंगे और लो पर ही हमें इसे 1 मिनट तक चलाना है ताकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से पक जाए। और इसे अब हम कवर नहीं करेंगे, इसे हम ओपन ही पकाएंगे।
तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो गया है इसे पकाते हुए और गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। सब्जी हमारी रेडी है सर्व करने के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी डिफरेंट स्टाइल में लहसुन की गवार पनीर सब्जी बनकर रेडी है। अगर इस तरीके से आपने इसे कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।